वेलकम बैक बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस 2022 का है, और ये एक बोनस क्वेश्चन था, इन द सेंस कि इसके ऑप्शन सही नहीं दिए हुए थे, तो इसका मार्क्स जो है वो सबको अवार्ड किया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एस एन एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बिलोंग करता है इस सर्कल पे, z माइनस 3 प्लस 2y का मॉड इज इक्वल टू n बाई 4, ठीक है ना। अलग अलग n पुट करके हम लोग सर्कल बनाते जाएंगे और सर्कल के सारे पॉइंट इस सेट Sn में आएंगे, ठीक है। उसी तरह Tn एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस सर्कल पे लाई करेगा, z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 1 बाई n। इसमें भी हम लोग n की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आएगा, और हर सर्कल पे इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे, और वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, Tn सेट में होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस क्या होगा, सच दैट Sn इंटरसेक्शन Tn इज इक्वल टू 5, यानी इस दोनों सेट में कोई कॉमन पॉइंट ना आए, यानी बेसिकली वो n चाहिए जिस पे ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है बच्चों। तो पहला सर्कल क्या दिया हुआ है और दूसरा सर्कल, इसको अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो पहले का सेंटर है 3, -2, यहाँ कहीं मान लीजिए 3, -2, और दूसरे का सेंटर है 2, -3, यानी 2, -3 कहीं यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों सेंटर हैं और इसके अराउंड हम लोग सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल क्या होगा, 3, -2 वाले का सर्किल का रेडियस देखिए बढ़ता जाएगा एन बढ़ाने से। सबसे छोटा रेडियस इसका 1/4 होगा, 1/4 होगा, फिर इसके आगे फिर एक और बनेगा 1/2, है ना, यानी 1/4 के गैप पे आपका सर्कल बनता जाएगा, 2/4, 3/4, 4/4, इस तरह करके कंसेंट्रिक सर्कल इसके राउंड बनता जाएगा। और फिर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, इस जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस सर्कल्स पे वो सब एक सेट बनाएगा Sn, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और इसके राउंड सर्कल का देखिए सबसे बड़ा रेडियस क्या होगा, 1 होगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद और जैसे बड़ा पुट करते जाएंगे n को, 1/2, 1/3, यानी इसी के अंदर बनता जाएगा बच्चों, ठीक है ना, यानी इसी के अंदर सर्कल छोटा छोटा होता जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा देख के ही कि जब n की वैल्यू एक बढ़ा देंगे कुछ ज़्यादा, जब n की वैल्यू सफिशियंटली बड़ी हो जाएगी तो सर्कल क्या होगी, इस 1 वाले से बाहर हो जाएगी, और 3, -2 का सर्किल फिर टोटली आउट हो जाएगा और ये टोटली इन हो जाएगा, है ना, n के एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। उसके बाद n की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, Sn ये था और Tn ये था, तो इस दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा जब n की वैल्यू एक पर्टिकुलर से बढ़ा दो तो, है ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ n क्या होगा जिसके लिए दोनों के इंटरसेक्शन 5 हो, इनफाइनाइट होंगे। आंसर इसका होता है इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो गलत था, मतलब क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक बोनस क्वेश्चन था। तो इसको बनाएंगे कैसे एक्चुअली, तो इसके लिए देखिए ये समझिए कि अगर एक सर्कल ये है, ठीक है आपका, और एक सर्कल ये है, दोनों का सेंटर आपका ये है, तो अगर इस दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करना है और बाहर दोनों आउटसाइड रहे एक दूसरे से, तो उसके बीच क्या रिलेशन आएगा, जो इस दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आएगा C1 C2 समझ लीजिए, तो C1 C2 ये हमेशा बड़ा होगा दोनों रेडियस के सम से, यानी C1 C2 विल बी ग्रेटर देन R1 + R2। ये R1 है यहाँ तक और ये R2 है यहाँ तक, तो R1 + R2 करेंगे और C1 C2 डिस्टेंस लेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, C1 C2 में बड़ा है, तो ये C1 C2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन R1 + R2 अगर दोनों सर्किल बाहर बाहर रहता है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ये एक कंडीशन आता है, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, C1 C2 हम लोग लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट आपको पता है क्या है, 3, -2 और 2, -3, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा देखिए क्या आएगा, √2 आ रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है। √2 बड़ा होना चाहिए दोनों का रेडियस का सम से, यानी n बाई फोर
प्लस वन बाई एन से, ठीक है ना, यही आ रहा है। तो हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक एन में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस फोर अपॉन फोर एन शुड बी लेस देन रूट टू, ठीक है। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम लोग सॉल्व करके रूट निकाल सकते हैं। तो इसका रूट क्या होगा, यही आ रहा है। तो ये नेगेटिव कब होगा बच्चों, दोनों रूट के बीच में, एन कहाँ होना चाहिए, दोनों रूट के बीच में होना चाहिए, यहाँ प्लस होगा सॉरी। तो एन क्या होना चाहिए, दोनों रूट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का आएगा, और ये दो रूट्स होंगे उसके, सपोज कीजिए अल्फा और बीटा, तो दोनों रूट के बीच में ये निगेटिव होगा। तो यानी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए टू रूट टू माइनस टू से, और छोटी होनी चाहिए टू रूट टू प्लस टू से। और ध्यान रखिएगा कि एन एक इंटीजर है, तो इसका वैल्यू बेसिकली आ रहा है पॉइंट एट, है ना, लगभग पॉइंट एट आ जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4.8 के आसपास, है ना। यानी बेसिकली एन का वैल्यू आएगा 1, 2, 3 और 4, चार वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यानी इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, चार वैल्यू आ रहा है जब दोनों सर्किल बाहर बाहर रहे और आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। एक और कंडीशन हो सकता है जब सर्किल्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसका इन्फिनिटी तो आंसर आया ही नहीं है, अभी चार ही आया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो एक दूसरा कंडीशन ये आएगा जब एक सर्किल पूरा का पूरा दूसरे के अंदर लाइक कर रहा हो, एक सर्किल ये था और दूसरा सर्किल आपका कुछ ऐसा आ जाए, है ना, बड़े वाले सर्किल का सेंटर समझ लीजिए ये है, ये सी वन और ये सी टू। देखिए ये वाला लेंथ क्या है आपका, ये R2 है ना, और ये लेंथ आपका क्या है, ये वाली लेंथ आपकी R1 है ना। तो R2 माइनस R1 क्या क्या लेंथ हो जाएगा, इतना पोर्शन प्लस C1 C2, है ना, यानी C1 C2 हमेशा लेस आएगा R2 माइनस R1 से। यानी इसके लिए कंडीशन ये आता है कि C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर है विल बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू रेडियस, ठीक है। R1 R2 में से R1 घटाओगे तो C1 C2 प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आएगा जो गैप है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रूट टू विल बी लेस देन एन बाई फोर माइनस वन बाई एन, ये एक दूसरा इनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दो केस लेके सॉल्व करना होगा, एक ये सॉल्व करेंगे कि व्हेन एन बाई फोर इज ग्रेटर देन वन बाई एन, तब ये मॉड वैसे ही खुल जाएगा, रूट टू लेस देन एन बाई फोर माइनस वन बाई एन हो जाएगा, है ना। आ रहा है तो इसके लिए रूट्स क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जो इसके रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है विद पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा और रूट के बाहर जितने भी पॉइंट पुट करेंगे सब आपको पॉजिटिव वैल्यू देता जाएगा ये, तो ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसा होगा जब इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। इसको अगर फटाफट सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ग्रेटर जीरो चाहिए अपने को, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और ये अल्फा बीटा उसका रूट है, बीटा बड़ा वाला है, तो आइदर एन शुड बी ग्रेटर देन बीटा और एन शुड बी लेस देन अल्फा, यानी एन शुड बी लेस देन टू रूट टू माइनस टू रूट थ्री, ये लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव क्वान्टिटी है, तो एन लेस देन तो ले नहीं सकते क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है। दूसरा आएगा एन ग्रेटर देन टू रूट टू प्लस टू रूट थ्री, है ना, इसके लिए आप लोगों को इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे इस दोनों सर्किल में कुछ भी कॉमन पॉइंट ना आए। एक दूसरा कंडीशन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं कि व्हेन एन बाई फोर इज लेस देन वन बाई, तो ये एक हो गया, इसमें हम लोगों को ये भी चेक करना होगा कि एन बाई फोर क्या ग्रेटर देन है वन बाई एन, तो ये होगा ही, ठीक है ना।
क्योंकि n by 4 कंडीशन था, n by 4 greater than 1 by n, यानी n square should be greater than 4, यानी 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू, तो ये देखिए 2 से बड़ा ही आएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि when n by 4 is less than 1 by n, ठीक है, इस केस में हम लोग मॉड खोलने समय क्या करेंगे, इस समय में हम लोग जब n by 4 less than 1 by n होगा तो एक माइनस लेके मॉड खोलेंगे, यानी आंसर क्या आएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, रूट टू लेस देन वन बाई एन माइनस एन बाई फोर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, यानी इसमें देखिए एन स्क्वायर वाले के बगल में क्या नेगेटिव है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और हमें पॉइंट्स लेने होंगे बिटवीन द रूट्स, तो इसका रूट निकालना है और देखना होगा कि अननेचुरल नंबर कोई आएगा क्या इसके बीच में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, रूट्स आ जाएंगे आपके अल्फा बीटा यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में क्या है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इस दोनों अल्फा के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इधर से एन की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन इधर से अपने को इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका इनफाइनाइट होगा। हम लोग सॉल्व करके देख लिए और एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट होंगे वो भी हम लोग देख लिए, ठीक है बच्चों, कि एन इससे बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर और साथ में ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन जो था वो गलत था, इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए थे, इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। अगर n पे कुछ कंडीशन लगा देता कि n शुड बी लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, n शुड बी लेस देन 5, तो अपना आंसर 4 हो जाता फिर, जो ये वैल्यू आ रहे थे, ये 4 वैल्यू आ रहे थे जिसके लिए कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, अगले लेक्चर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे।